ऑर्डिनरी मेथड से नहीं होगी, इनके लिए हमें कुछ खास मेथड यूज करने होंगे, तो उन्हें आज देखते हैं। 41 बेस 5 एंड 24 बेस 5, तो 1 में से 4 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रीवियस नंबर से कैरी लेंगे। तो यहाँ पर चूंकि ये बेस 5 के क्वेश्चन है, तो कैरी हम 1 नहीं लेंगे बल्कि 5 कैरी लेंगे। तो ये 4 रिड्यूस हो गए, 3 रह जाएगा। यहाँ से 8 नंबर नहीं बल्कि 5 कैरी रह जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये बेस 5 का क्वेश्चन है इसलिए। तो 5 और ये वाला 1 मिलकर 6 हो जाएंगे। 6 में से 4 को सबट्रैक्ट किया जाएगा तो आंसर आएगा 2। ये प्रीवियस डिजिट 3 रह गया था, तो 3 में से 2 को सबट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। 1 इंटू बेस 5, तो बेस 5 में आपने इसको क्लोज कर दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, 33 बेस 5 इंटू 14 बेस 5। तो अब क्या करेंगे, 3 एक छोटा नंबर है, 4 बड़ा नंबर है, 3 में से 5 सबट्रैक्ट नहीं हो सकता, कैरी लेंगे यहाँ से। तो 3 से जब कैरी जाएगा तो कैरी 1 नहीं जाएगा बल्कि कैरी 5 जाएगा। 5 और ये वाला 3 मिलकर 8 हो जाएंगे। 8 में से 4 सबट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट हमें 4 मिलेगा। नेक्स्ट चूंकि यहाँ से कैरी लिया गया था, इसलिए ये रिड्यूस होकर 2 रह जाएगा। 2 माइनस 1 1, इसको आपने बेस 5 में क्लोज कर दिया। नेक्स्ट है 431 बेस 5 माइनस 144 बेस 5। तो 431 इसके पहले वर्डिंग ले लीजिए, 144। अब 1 है, 1 में से 4 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, इस डिजिट से हम कैरी लेंगे इस साइड पर, तो 5 कैरी लेंगे क्योंकि बेस 5 को क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। 5 प्लस 1 6, 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 2। यहाँ से चूंकि कैरी लिया गया था, इसलिए ये 3 रिड्यूस होकर 2 रह जाएगा। 2 में से 4 को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए हमें इस 4 से कैरी लेना पड़ेगा। कैरी लेंगे तो वो कैरी होगा 5। अब 5 और ये वाला 2 7 हो जाएंगे ऐड होने के बाद। 7 माइनस 4 3, ये चूंकि इधर से हमने कैरी लिया था, ये भी रिड्यूस होकर 3 रह जाएगा। 3 माइनस 1 2, तो 232 बेस 5, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है जी 4, ये अभी आपके पास वैल्यूज दी गई है, 5 टाइम्स 2 है और 4 टाइम्स 3 है, तो आपने सब्ट्रैक्ट करना है। 2 एक स्मॉलर नंबर है और 3 एक उससे बड़ा नंबर है, इसलिए सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, कैरी लेना पड़ेगा इस प्रोसेस के लिए हमें। तो जब कैरी लिया जाएगा तो ये 2 जो है इधर से कैरी 5 जाएगा, 5 और 2 मिलकर 7 हो जाएंगे। 7 माइनस 3 4, यहाँ से कैरी लिया गया था, ये रिड्यूस होकर 1 रह जाएगा, 1 माइनस 3 पॉसिबल नहीं है। और फिर हमें इस वाले नंबर से कैरी ले जाना पड़ेगा, कैरी ले जाएंगे वो 5 कैरी लेके जाएंगे। 5 और 1 6, 6 माइनस 3 3, ये डिजिट रिड्यूस होकर 1 रह गया था, 1 माइनस 3 पॉसिबल नहीं है इस केस में, तो कैरी लेंगे। कैरी इस डिजिट से यहाँ शिफ्ट होगा तो 5 कैरी जाएगा। 5 प्लस 1 6, 6 माइनस 3 3, ये भी रिड्यूस होकर 1 रह गया था, तो इसमें से 1 माइनस 3 पॉसिबल नहीं है, कैरी लेंगे। तो यहाँ से कैरी इधर शिफ्ट करेंगे तो 5 कैरी लेके जाएंगे। 5 प्लस 1 6, 6 माइनस 3 3, ये रिड्यूस होकर 1 रह जाएगा, 1 का 1 वैसे ही आ जाएगा, इसको आपने बेस 5 में क्लोज कर दिया। नेक्स्ट है 5, 5th क्वेश्चन, 3 2 1 0 24 बेस 5, 1 4 2 1 42 बेस 5। 4 माइनस 2 ये पॉसिबल है, इसलिए 2 लिख देंगे। ये 2 माइनस 4 पॉसिबल नहीं है, कैरी ले जाएंगे, कैरी ये 0 है, 0 से हमें नेक्स्ट नंबर पर नंबर से कैरी ले जाना पड़ेगा, तो यहाँ से कैरी शिफ्ट करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 5। 5 से कैरी यहाँ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ 5 रह जाएगा, ये रिड्यूस होकर 4 रह जाएगा। 5 माइनस 4 1, ये चूंकि 4 रह गया, 4 माइनस 1 ये 3 आ जाएगा, यहाँ पर कैरी किया था तो ये 0 रह जाएगा। 0 में से 2 सबट्रैक्ट करना पॉसिबल नहीं है, इस 2 नंबर से यहाँ कैरी लेके जाएंगे 5। 5 माइनस 2 3, यहाँ ये डिजिट रिड्यूस होकर 1 रह गया था, 1 में से 4 को सबट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए ये जो लास्ट डिजिट है इधर से इधर कैरी शिफ्ट करें। 5, 5 और ये वाला 1 ऐड होकर 6 हो जाएगा। 6 माइनस 4 2, यहाँ पर रिड्यूस हो गया डिजिट, 2 रह गया था, 2 माइनस 1 1, इसको आपने बेस 5 में क्लोज करना है।
बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आपने खुद सॉल्व करना है इस मेथड को फॉलो।